अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं मतगणना सेंटर्स के बाहर। कानपुर का रुख कर लेते हैं, रतीश हमारे साथ बने हैं। कानपुर भी बड़ा महत्वपूर्ण जिला है, कांटे की टक्कर है। रतीश, कानपुर की बात करें तो किस तरीके से मतगणना की तैयारियां हैं, क्योंकि अब 40 मिनट का वक्त बचा है, पूरा सिस्टम तैयार है मतगणना शुरू करने के लिए। आपने बिल्कुल सही कहा, पूरा उत्तर प्रदेश इस वक्त देख रहा है और उत्तर प्रदेश में नतीजों को बहुत तेज दिखाने के लिए एबीपी गंगा ने विजय तिलक की विराट तैयारी की है। आपको कानपुर के नौबस्ता गल्ला मंडी की तस्वीरें दिखाते हैं। मतगणना एजेंट एक एक करके कतारबद्ध होकर के अंदर जा रहे हैं और यहीं से आज एपी सेंटर है, यकीन मानिए। देखिए, जो प्रत्याशी हैं वो भी हाथ हिला करके शो कर रहे हैं कि वो अंदर जा रहे हैं। हालांकि धड़कनें बढ़ी हुई हैं कि अंदर क्या होगा, ईवीएम्स में उनकी किस्मत आज पैक हुई हुई है और आज जब अंदर जाएंगे तो कितना जनता ने उनको सराहा है, उनके काम को सराहा है या उनकी बातों को सराहा है। लेकिन ये जो कतार है, ये कतारबद्ध होकर के मतगणना एजेंट अंदर जा रहे हैं, प्रत्याशी अंदर जा रहे हैं और काफ़ी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। हालांकि विक्ट्री साइन भी तमाम लोग दिखा रहे हैं और अंदर जाते हुए अब एक घंटे से भी कम का समय रह गया है जब रुझान आना शुरू होंगे, मतगणना स्टार्ट हो जाएगी उसके बाद उसके रुझान आना शुरू होंगे। काफी कंटेस्ट, काफी कड़ी फाइट कही जा रही है कानपुर में महापौर की। दिखा रहे रतीश, और अंदाजा लगाया जा सकता है बस 40 मिनट का वक्त बाकी रह गया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।